नमस्ते। संख्याओं की संक्रियाएं गणित की नींव हैं, जिसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस नींव को मजबूत करने के लिए एबेकस नामक एक सरल गिनती उपकरण के बारे में जानेंगे कि किस तरह यह मनोरंजक और सरल तरीके से गणित की कई मूल अवधारणाओं को जानने में सहायक है। इस गतिविधि का उद्देश्य गणित की विभिन्न अवधारणाओं को सीखना है, जिनमें स्थानीय मान, संख्याओं के विस्तारित रूप, संख्याओं को शब्दों में लिखना और जोड़ घटाव शामिल हैं। इस टूल में एक बेस, 6 रॉड्स और 60 बीड्स हैं। सबसे पहले इस बेस को समतल सतह पर रखें और रॉड्स को इस तरह से इस पर लगाएं, इस तरह से। साथ ही बीड्स को इस तरह रॉड्स में डालें। गतिविधि के शुरू होने से पहले यह बताएं कि एबेकस किस तरह संख्याओं के स्थानीय मान और उनके विस्तारित रूप को समझने में सहायक है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास मौजूद इस एबेकस में ये पहली रॉड इकाई को दर्शाती है, ये दूसरी रॉड या दूसरा स्थान दहाई को, तीसरा स्थान सैकड़ा को, चौथा स्थान 1000 को, पांचवा स्थान 10,000 को और छठा स्थान 1,00,000 को दर्शाता है। साथ ही इकाई स्थान पर मौजूद ये 2 बीट्स संख्या 2 को दर्शाते हैं, अर्थात इसका अंकित मान और स्थानीय मान दोनों ही 2 हैं। इसी तरह इस ढाई स्थान पर जो मौजूद ये 2 बीट्स हैं, इसकी संख्या 2 है, अर्थात इसका अंकित मान 2 और स्थानीय मान 20 है। अब इसका अंकित मान 2 और स्थानीय मान 200 है, इसका अंकित मान 2 और स्थानीय मान 2000 है, इसका अंकित मान 2 और स्थानीय मान 20,000 है और इसका अंकित मान 2 और स्थानीय मान 2,00,000 है। इसका मतलब है कि इसका विस्तारित रूप 2,00,000 जमा 20,000 जमा 2,000 जमा 200 जमा 20 जमा 2 है और इस संख्या को हम 2,22,222 के रूप में पढ़ते हैं। इस तरह एबेकस ये समझने में मदद करेगा कि दाएं से बाएं और एक स्थान बढ़ने पर किसी अंक का मान पहले स्थान के मान का 10 गुना हो जाता है तथा बाएं से दाईं ओर एक स्थान हटने पर पहले स्थान के मान का 10वां भाग हो जाता है। मेरे पास मौजूद ये एबेकस 2,57,877 संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। यहां दहाई का अंक 7 इकाई के अंक 7 का 10 गुना है। क्या आप बता सकते हैं कि 1000 का अंक 7 इकाई के अंक 7 के कितना गुना होगा? आइए अब समझें कि किस तरह एबेकस जमा घटाव सीखने में भी मदद करता है। मान लीजिए हमें 2,57,877 में 3,082 जोड़ना है। एबेकस में जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों का योग होता है तो हम हमेशा इकाई को इकाई, दहाई को दहाई के साथ और सैकड़े को सैकड़े में जोड़ते हैं और यह इसी तरह अगले स्थानों के लिए भी आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जोड़ दाएं से बाएं शुरू होता है, तो हम इकाई के स्थान पर मौजूद 7 नीले बीड्स में ये 2 बीड्स को यहां पर डाल देंगे। अब यहां बीड्स की संख्या 9 हो जाएगी। इसके बाद हम 3,082 के 8 को दहाई रॉड में मौजूद 7 बीट्स से जोड़ने के लिए हम 8 लाल रंग के बीट्स को दहाई के स्थान पर डालेंगे। 1, 2। लेकिन हम 2 बीट्स से अधिक नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि अब रॉड ये भर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, यानी कि जब हमारे पास 10 या अधिक बीट्स होंगे तो हम दहाई के स्थान से 10 बीट्स को हटा देंगे और उन्हें सैकड़ा के स्थान पर 1 बीट से बदल देंगे। अर्थात अब सैकड़ा पर एक पीले रंग का बीट डाल देंगे और बचे हुए बीट्स जो कि 5 हैं उन्हें दहाई के स्थान पर डालेंगे।
अब हम 3082 के शून्य को सैकड़ा रॉड में मौजूद 9 बीट्स से जोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ 9 ही रहेगा। अंत में हम 3082 के 3 को हजार के स्थान पर मौजूद 7 बीट्स से जोड़ने के लिए यहाँ पर 3 बीट्स डालेंगे। 1, 2, आप यहां देख सकते हैं कि यहां भी हम 2 बीट से अधिक नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि ये रॉड पूरी भर चुकी है। इसमें भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब 10 हरे रंग के बीट्स के बदले 10,000 के स्थान पर एक सफेद रंग का बीट डाल देंगे। इस प्रकार इस तरह हजार पर शून्य बीट होंगे जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 10,000 पर 6 बीट्स होंगे जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और 1,00,000 के स्थान पर यहां देखिए यहां पर 2 बीट्स होंगे। हम देख सकते हैं कि 257,877 में 3082 जोड़ने पर हमें परिणाम के रूप में 260,959 संख्या प्राप्त होगी। आइए अब हम एबेकस की सहायता से घटाव की अवधारणा को समझें। मान लीजिए मेरे खाते में 260,959 रुपए मौजूद हैं, जो इस एबेकस में प्रदर्शित किए गए हैं। मैंने इसमें से 22,450 रुपए निकाल लिए। क्या आप बताएंगे कि मेरे खाते में अब कितने रुपए बचे? जोड़ विधि के समान जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों का घटाव होता है तो हम हमेशा इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई आदि को घटाते हैं। 260,959 में से 22,450 रुपए को घटाने के लिए हमें इकाई में से सबसे पहले शून्य घटाना होगा, अर्थात 9 घटा शून्य बराबर 9, तो यहां 9 ही बीट्स रहेंगे। अब हम दहाई में से 5 बीट्स हटाएंगे जिससे दहाई में शून्य बीट होंगे। इस तरीके से इसके बाद हमें सैकड़ा में से 4 बीट्स को हटाना होगा जिससे सैकड़ा में 5 बीट्स होंगे। इस तरीके से इसके बाद हमें हजार के स्थान में से 2 बीट्स हटाने होंगे, परंतु यहां पर एक भी बीट मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम 10,000 के स्थान में से एक बीट उधार ले लेंगे, जिसके लिए एक सफेद रंग के बदले हम 10 हरे रंग के बीट्स यहां पर ले लेंगे, क्योंकि 1:10,000 हजार के 10 बीट्स के बराबर होता है। अब हम 2 बीट्स को यहां से हटा देंगे और बचे हुए बीट्स को यहां पर डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह हजार की रॉड पर हमें 8 हरे रंग के बीट्स ऐसे मिलेंगे। अंत में 10,000 के स्थान से 2 को घटाना है, उसके लिए हम 5 में से ये 2 बीट्स ऐसे निकाल देंगे। जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 260,959 घटा 22,450 बराबर 238,509 रुपए होता है, यानी कि मेरे खाते में 238,509 रुपए बचेंगे। इस प्रकार हम एबेकस का उपयोग करके स्थानीय मान, संख्याओं के विस्तारित रूप और जोड़ घटाव की अवधारणाओं को सीख सकते हैं। धन्यवाद।